नमस्कार 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 hmm. आप सब लोगों को स्वागत है अड्डा टू फोर सेवन इसमें hmm. और मध्यकालीन भारत का आज मेडियवल हिस्ट्री का मध्यकालीन भारत का एक शानदार टॉपिक आज जो है डिस्कस करने जा रहे हैं एक तो है जहांगीर के बारे में डिस्कस करेंगे और एक है शाहजहान के बारे में डिस्कस करेंगे सो टुडे विल डिस्कस अबाउट जहांगीर एंड आल्सो अबाउट द शाहजहान जहांगीर अपने टाइम का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट अपने अगर मुगल आजम मूवी देखे थे देखे हो दिलीप कुमार और मधुवाला का जिसमें सलीम का जो रोल किए हैं सलीम और अनारकली वाला जो चीज है वही जहांगीर है जो और अबाउट शाहजान के बारे में तो सबको पता है चॉकलेटी हीरो है लवर बॉय सो दुनिया को एक प्रेम का निशानी जिन्होंने दे दिया ताजमहल बना के कितना प्यार करते थे अपने बिलब्ड अपने पत्नी से तो आज भी सिंबल ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ लव शाहजहान है ना तो <coughs> ये दोनों रूलर के बारे में जो कि इतिहास का मध्यकालीन भारत का वन ऑफ द इंपोर्टेंट टॉपिक में आता है ठीक है <coughs> उनके सब यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे जहांगीर मतलब सलीम और अनारकली के बारे में ऑल्सो हम लोग डिस्कस करेंगे शाहजहान और मुमताज के बारे में ठीक है चलिए उससे पहले मैं बता दूं कि मुगल काल को दो भाग में डिवाइड किया गया एक है एक अर्ली मुगल्स एक है लेटर मुगल्स अर्ली मुगल्स का जो टाइम पीरियड है 1526 से लेकर 1707 तक। और लेटर मुगल्स का जो टाइम पीरियड है 1707 से लेकर 1857 तक 1857 द रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति और उससे अगर मैं अर्ली मुगल्स की बात करूं कौन कौन से रूलर हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहां पे अर्ली मुगल्स में देखो यहां पर देख पा रहे सबसे पहले जो है बाबर सबसे पहले जो है बाबर 1526 से लेकर 1530 तक बाबर उसके बाद हुमायूं आए थे 1530 से लेकर 40 तक और 40 में शेर शाहूरी शेर शाहूरी से लड़ाई हुई थी दो बार 1539 और फिफ्टीन बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ बिलग्राम और कनौज भी कहा जाता है उसको और दो बार हारने के बाद वो चले गए थे ही स्टे देयर इन एग्जाइल बारह साल तक उसके बाद तीन साल में अपना आर्मी को रिफॉर्म करके दोबारा वापस हुए थे पंद्रह में और शेर शाह का बेटा सिकंदर शाह से फाइट की थी उस लड़ाई का नाम है बैटल ऑफ मच्छी वाला जो पंद्रह में हुआ था उसके बाद हाल ही कुछ ही महीना ही वो रूल कर पाए थे ठीक है उसी बीच में देखो शेरशाह पैंतालीस से से तक उसके बाद जो जो है 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 अकबर 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 ठीक उसके बाद अकबर के बाद के जहांगीर तो यहां तक अकबर तक मैंने डिस्कस कर चुका हूं ठीक है बच्चों यहां पर अकबर तक जो है, बाबर, अकबर, यहां तक हम डिस्कस कर चुके है। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो होगा बेटा वो है जहांगीर 1605 फाइव टू ट्वेंटी उसके बाद जो शाहजान 1628 ट्वेंटी सेवन उसके बाद एक और रूलर बचेंगे औरंगजेब ये मैं कल करूंगा ये मैं कल करूंगा तो आज जो है ये दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे जहांगीर एंड शाहजहान के बारे में ठीक है जहांगीर एंड शाहजहान के बारे में टूडे विल डिस्कस ठीक है मेरी आवाज क्लियर है इट्स टू ऑल ऑफ यू गाइस मुझे एक बार बता दीजिए आवाज ऑल क्लियर लिख दीजिए ताकि मैं समझ जाता हूं ऑल क्लियर में कि सब कुछ ठीक है मामला हिट है और फिट है बताओ ऑल क्लियर लिख दो एक बार कुपाल सिंह परिहार थैंक यू hmm. ठीक है ओके थैंक यू थैंक यू चलिए तो शुरू कर दिया जाए आज का मिजन चलिए बहुत अच्छा ठीक है हाँ ओके देखो okay. तो टॉपिक है आज का जहांगीर सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग आज जो है जहांगीर के बारे में uh -huh. सबसे पहले देखो जहांगीर का जो टाइम पीरियड है सिक्सटीन जीरो फाइव से लेकर ट्वेंटी सेवन तक सबसे पहले जो है जहांगीर का जो टाइम पीरियड है 1605 से लेकर 1627 तक और जहांगीर केम टू दूर इन दर 1605 में 1605 में वो सिंहासन में आए थे ठीक है और जहांगीर जो है सन ऑफ किसका अकबर एंड हरकाबाई का बेटा है जहांगीर जो है सन ऑफ यू कैन से सन ऑफ अकबर अकबर एंड हरकाबाई सन ऑफ अकबर एंड हरका हरकाबाई मतलब हरकाबाई और यू कैन से जोधाबाई कह सकते हो ठीक है जोधाबाई ध्यान रखिएगा एक चीज कंफ्यूज मत होना हरका भाई का नाम ही है जोधाबाई हरका भाई का नाम ही है जोधा भाई और एक चीज मैं बता दू जहांगीर ने जिनसे शादी किए थे उनमें से एक का नाम जोधाबाई था तो वो जहांगीर जिन्होंने शादी किए थे जोधाबाई वो जोधाबाई अलग है और अकबर का जो हरका भाई है ये जोधाबाई अलग है फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं मतलब दो जोधाबाई है एक है अकबर के वाइफ जिनको हरका बाई भी कहा जाता है और एक है जहांगीर का वाइफ का नाम भी जोधा भाई है बट दोनों जोधा भाई अलग अलग है ध्यान रखिएगा ठीक है अर्ली नेम ऑफ जहांगीर व सलीम 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 ठीक है अकबर कल कॉल हिम शेख बाबा अकबर उनको बुलाते थे शेख बाबा के हिसाब से शेख बाबा के हिसाब से ठीक है और ये सलीम जो है सलीम जो है प्यार करते थे बेपनाह मोहब्बत करते थे इससे अनारकली से अनार आप लोगों को पता होगा अगर आपने मूवी देखा है ना मुगल आजम जिसमें दिलीप कुमार हैं मधुवाला है जो गाना है ना प्यार किया तो डरना क्या चुप चुप के प्यार करना क्या प्यार किया कोई चोरी नहीं की है ना चुप चुप के प्यार करना क्या सबसे उस टाइम के सबसे वन ऑफ द फेमस फेमस मूवी में से वो आया था ठीक है मतलब जो मुगल आजम और मुगल आजम का रूल भी मतलब जो जहांगीर का रूल भी किए हैं दिलीप कुमार राइट ठीक है तो तो अनार कर, सलीम बेपनाह मोहब्बत करते थे अनारकली से बट अनारकली अनारकली जो है वो एक्चुअली स्लेब गर्ल थी स्लेब गर्ल मतलब एक तरफ से दास थी और यू कैन से डांसर और कह सकते हो डांसर इन द कोर्ट ऑफ अकबर इन द कोट ऑफ कोर्ट ऑफ अकबर कहा जाता है कि जो अनार के लिए एक तरफ से स्लिप गार्ल है और एक डांसर ठीक है डांसर इन द कोर्ट ऑफ अकबर अकबर के दरबार में वो एक नाचने वाली थी मतलब कह सकते हो ठीक है राजा महाराज के बाद बहुत सारे मतलब नाचा करती थी उनमें से डांसर में से एक थी कोर्ट कोर्ट में तो अकबर का बेटा है सलीम मतलब जहांगीर उनको प्यार हो गया था मतलब अनारकली और प्यार तो कोई सीमा और कुछ तो देखता नहीं है ना जैसे तो कि लव इज ब्लाइंड यू नो ठीक है कहा जाता है लव इज ब्लाइंड ठीक है तो वो उनके प्यार में पड़ गए थे और उन्होंने जिद किया कि शादी करूंगा तो अनारकली से नहीं तो नहीं करूँगा तो अकबर क्या है थोड़ा सा अपना खानदानी मेंटेन करना चाहते थे अकबर को बहुत साल के बाद उनका शेख बाबा जिनको कहा जाता है सलीम और यू कैन से जहांगीर हुआ था बहुत साल के बाद और अकबर जो पूरा देश को रूल कर रहे थे उनका एक बेटा बेटा बड़े मुश्किल से हुआ था और वो बेटा भी जो है अपने धुन पे है कि शादी करूँ करूंगा तो अनारकली से नहीं तो नहीं वो भी मतलब उनका खानदान अगर राजा के खानदान से होता कोई या उनके खानदान के बराबर के होते तो उनमें कोई दिक्कत नहीं था ऐसा नहीं था कि अकबर जो है जहांगीर के शादी के खिलाफ है नहीं अकबर का कंसर्न ये था कि ये अनारकली जो है एक डांसर है इन द कोर्ट ऑफ अकबर एक डांसर से आप एक राजा हो के कैसे आप एक मतलब स्लेव गर्ल से या फिर डांसर से शादी करोगे मतलब ये इस चीज के लिए एक 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 होता है ना स्टार्टस होती है अपने स्टार्टस होती है अपनी प्रेस्टीज अपना राजा राज राजकुमार राज, 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 था तो इसलिए मना किए थे ठीक है लेकिन ये मानने वालों में से जहांगीर थे नहीं इसलिए इसलिए अकबर जो है मतलब जहांगीर के सामने अनारकली को दीवार में चुनवा दिए थे इसलिए अकबर जो है जहांगीर के सामने अनारकली को दीवार में चुनवा देते और कुछ लोग कुछ इतिहासकार यहां तक मानते हैं कि उनको दीवार दीवार में ही उनको जो है दफना दिया गया था दीवार में ही चुनवा दिया गया था और वहां पर उनकी डेथ हो गई थी हालांकि अगर आप मूवी देखोगे अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग व्यूज है मतलब कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि नहीं उनको दीवार में वहां पर उनका डेथ नहीं हुआ था उनको जो है पीछे से भगा दिया गया था मतलब जहांगीर दव... को लगे कि सच में डेथ हो गया और अगर आप मूवी देख देखोगे ना आजम मूवी भी देखोगे तो वहां पे भी दीवार से उनको जो है पीछे की दीवार से उनको जो है भगाते हुए दिखाया गया है मतलब उनका डेथ नहीं हुआ था अनारकली का बट ये जो प्रेम कहानी है दोनों के बीच में ठीक है आप कभी मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा मूवी मुगल आजम ठीक है मैं हमेशा बोलता हूँ इतिहास में कि कुछ मूवी ऐसे बनी है जो बहुत शानदार बनी है आपको देखना चाहिए ताकि इतिहास के बहुत सारे चीज़ें कवर हो जाएगा जैसे कि मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ आप दे द लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखिए आपका मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगा मंगल पांडे देखिए आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 कवर हो जाएगा पद्मावत देखिए आपका आपका जो है खिलजी डायनेस्टी खत्म हो जाएगा आप जो रजिया सुल्ताना देखिए आपका जो है जो है पता चल जाएगा बैटल ऑफ पानीपत पानीपत देखिए गांधी मूवी तो जरूर देखिए द गांधी द गांधी जरूर देखिए मॉडर्न हिस्ट्री आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको नॉन कोऑपरेशन सिविल सब दिखाएगा मतलब जब आप विजुअली देखते हो ना चीजें कि हाँ ये हुआ था यार साइमन कमीशन को ऐसे भगाया गया था तो आपको दिमाग में हमेशा याद रहता है मतलब एंटरटेनमेंट की एंटरटेनमेंट है आपको याद भी रहना है समझ रहे हो जैसे कि कभी कभी पढ़ने का मूड नहीं करता ना मूवी देखने का मूड करता तो ऐसे सब मूवी देखो जो हिस्टोरिकली मतलब जो कि रेलिवेंट है आपके यूपीएससी में तो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए मूवी देखना जरूरी है ठीक है चलिए ऑल राइट सो यही था उनका स्टोरी हालांकि उन्होंने शादी किया था ही मेरिड विद मेहरून निशा ही मेरिड विद मेहर निशा एंड एन अफगान विडो लेटर इन सिक्सटीन सिक्सटीन इलेवन इन मेहर एंड अफगान विडो एंड लेटर इन ही अ टाइटल नूर महल उनको जो है को टाइटल दिए थे क्या नाम है नूर महल नूर महल मतलब क्या है लाइट ऑफ द पैलेस लाइट ऑफ द पैलेस दैट इज नूर महल ठीक है इस महल का प्रकाश यू कैन से लाइट ऑफ द पैलेस और ऑल्सो नूर जहां ऑल्सो जो है नूर जहां लाइट ऑफ द वर्ल्ड लाइट ऑफ द वर्ल्ड लाइट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है ठीक है लाइट ऑफ द वर्ल्ड ठीक है मतलब ये दुनिया की रोशनी लाइट ऑफ द वर्ल्ड ठीक है अपने मतलब बेगम को अपने वाइफ को मेहरुन को नूर महल और नूर जहान उन्होंने टाइटल दिया था उनको देखो पदुसा बेगम भी कहा जाता है बेटा उनको जो है पदुस्था बेगम पदुस्था बेगम पदुस्था बेगम पदुसा बेगम।, बेगम।, बेगम भी कहा जाता है अब अब आप लोग सोच रहे हैं कि

मतलब एक होती है ना मतलब एंजॉय करने वाला एंजॉय करने वाला, पूरा मोज लेने वाला, एंजॉय बट एडमिनिस्ट्रेशन में उनका ध्यान कम रहते में कम ध्यान थे और उनकी जो वाइफ है जिनका नाम है मेहरून निशान उन्होंने जो है उन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से फोकस्ड सी एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादातर ध्यान जो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में फोकस एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन जहांगीर है वो ठीक से काम नहीं रहे लेकिन उनके वाइफ मेहरून निशा जो है इसलिए उनको टाइटल दिया गया था पदुसा बेगम का क्योंकि सिर्फ फोकस ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि जहांगीर थोड़ा सा अयासती किस्म थे थोड़ा भोग व्यास ये सब मतलब थोड़ा सा दारू वारू ये सब मस्ती में रहते थे तो सब कुछ संभालते थे उनके बेगम जिसलिए उनका नाम दिया गया पदूसा बेगम मेहरुन निशा को पदूसा बेगम का टाइटल मिला था ठीक है बच्चों देन देखो यहां पर देखो मैं हमेशा क्लास में बताता हूं कि द टॉपिक आई टीच इन द द क्लासेस आई मेक यू इंस्टेंटली मेमोराइज इन क्लासेस और हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में कहीं और आपको इतना डिटेल में नहीं मिलेगा चीज है रीजन बिहाइंड दैट कि क्वेश्चन किसी भी प्रकार का पुटअप हो सकता है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगा ये भी चीज है और थर्डली क्या है कि वॉट आर द एक्स्ट्रा कोई एनसीआर कोई दूसरा किताब एक्स वाई जेड या कोई और वीडियो कुछ देखने की जरूरत नहीं है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम ध्यान रखिएगा वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम यहां पर सारा चीजें मैं बहुत मजेदार और 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 मैं ये गारंटी देता हूं कि मेरा वीडियोस देखने के बाद आपको फिर हिस्ट्री समझ में नहीं आए तो यूपीएससी प्रिपरेशन छोड़ दीजिए फिर कोई आपको इतना समझा नहीं पाएगा ठीक है एक होता है ना कि मेरा अगर टीचिंग अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर कोई आपको समझा नहीं पाएगा ठीक है तो ये चीजें हैं ध्यान रखें क्योंकि तो मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को सिंपल सरल और इंटरेस्टिंग करने की पूरी दस साल से यही तो प्रैक्टिस कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए बहुत बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकूँ ठीक है और कंटेंट भी देखना दोनों लैंग्वेज में है और मैं बैठ कर खुद ही कंटेंट बनाता हूं ताकि आप लोगों का मेहनत जो कंटेंट का मेहनत है मैं खुद कर सकूँ और आप लोगों का मेहनत का थोड़ा सा मतलब कल के डेट में आई बनोगे आई बनोगे आई बनोगे तो थोड़ा सा मेरा भी कुछ रहे कंट्रीब्यूशन आपके मेहनत में सो ये इसलिए मेरा जो कंटेंट है और जो इंटेंट है ध्यान रखिएगा दोनों ही बेहतर है आप ट्रस्ट कर सकते हो चलिए अब देखिए एक चीज हुआ था था 1606 1606 में बेटा, 1606 में बेटा ठीक है क्या हुआ जहांगीर एग्जीक्यूटेड द तो फिफ्थ सिख गुरु फिफ्थ सिख गुरु जिनका नाम है गुरु अर्जुन देव अर्जुन देव ठीक है अर्जुन देव ठीक है उनको जो है मार डाला था एग्जीक्यूटेड हत्या कर दी थी बिकॉज ही हेल्प जहांगीर सन

जाओ खुसरू को खुसरो पकड़ के लाओ जो भी खुशरू को पकड़ेगा उसको इनाम मिलेगा यही था अरे क्या बात है वान, 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 क्या बात है 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 बहुत अच्छा ठीक ठीक ऐसे बने बने रहिए रहिए जुड़े है? है? और ऐसे ही प्यार देते रहिए मजा आएगा क्लास में ठीक है रात के नौ बजे से लेकर दस बजे तक हिस्ट्री शानदार तरीके से पढ़ेंगे और एक बार यहां पर मेरे साथ पढ़ लिए ना ठीक है ध्यान रखिएगा एक वो रात को सोने से पहले मेरा टॉपिक ही याद आएगा आपको यही खुसरो सब याद आएंगे अनारकली सलीम ये सब याद आएंगे ठीक है पर सोने से पहले तो ये जरूरी है क्लास में रहिए ठीक है, है? चलिए हाँ तो मैं बात क्या कर रहा था कि खुसरो को उन्होंने जो है जहांगीर ने ऑर्डर दे दिया कि जो भी खुसरो को पकड़ के लाएगा उसको जो है इनाम मिलेंगे तो लोग तो उसी टाइम पे गुरु अर्जुन देव जो फिफ्थ सिख गुरु है, हो के फिफ्थ सिख गुरु है अर्जुन देव ने उनको पनाह पनाह दिए थे खुसरो को तो देने की वजह से क्यों क्योंकि वो जहांगीर के अपोज में हो के थे तो जहांगीर ने उनको हत्या कर दी थी जहांगीर एग्जीक्यूटेड तो सिख गुरु अर्जुन देव बिकॉज he uh, ही उसके साथ साथीर ये खतरनाक घटना हुई थी मैंने लास्ट टाइम बताया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है अकबर के टाइम पे हुआ किसके टाइम पे हुआ था बेटा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है अकबर के टाइम पे हुआ था राइट right? मानते हो नहीं अकबर के टाइम पे हुआ था बट वो लंदन में हुआ था अकबर जिस टाइम पे अकबर 1605 तक रूल कर रहे थे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है सिक्सटीन में हुआ था तो अकबर 1605 तक रूल किए तो किएसली बात है लेकिन राल फिच नाम का पर्सन जो आए थे अकबर के दरबार में वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं थे अगर सवाल यहां पर ये अप होता है है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से फर्स्ट पर्सन कौन है और किसके दरबार में आए थे तो फर्स्ट पर्सन जहांगीर के दरबार में और जो पर्सन है वो जो है विलियम हॉकिंस है उनका नाम विलियम हॉकिंस और कौन सा ईयर में ध्यान रखिएगा बेटा सिक्सटीन में विलियम हॉकिंस है उनका नाम और विलियम हॉकिस और सिक्सटीन जीरो नाइन में और ही एनवॉय ऑफ द किंग जेम्स वन किंग जेम्स वन कौन है ये इंग्लैंड के राजा हैं इंग्लैंड के राजा हैं उन्होंने ही भेजा था विलियम इंडिया टू स्टार्ट द ट्रेडिंग इन इंडिया देखो अकबर 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 जो है व्यवसाय करने के लिए मना कर दिया था और जहांगीर भी ऐसा नहीं है जहांगीर भी पहले वेलकम किया ऐसा नहीं है ब्रिटिशर को जहांगीर ने भी पहली बार मना कर देखो इंडिया फेमस था इंडिया तो सोने की चिड़िया है सोने की चिड़िया हुआ करता था मतलब इतने सारे राजा महाराज थे उनके अपार संपत्ति थे धन दौलत इतना था इंडिया वॉज कंसिडर टू तो बी द तो सोने की चिड़िया गोल्डन यू कैन से सोने की चिड़िया केज सोने गोल्डन बर्ड ठीक है तो मतलब इतने अपार संपत्ति थे मोहम्मद गजनी जैसा इंसान भारत को सेवन टाइम्स लूटा था किस चक्कर में वेल्थ के चक्कर में सोचो तो कितना पैसा होगा बाबर ने चार बार चार पांच बार आक्रमण किया था पैसा के चक्कर में इतने सारे पैसा थे ठीक है तो वो सब अगर नहीं लूटते तो क्या होता भारत का हाल सोचिए तो उसके साथ साथ मैं बता दूं ब्रिटिशर पूरे वर्ल्ड के ऊपर कैप्चर कर रहे थे आज के डेट में जो कॉमनवेल्थ गेम्स है आज के डेट में कॉमनवेल्थ नेशन जिसको हम लोग बोलते हैं ठीक है कहीं ना कहीं कभी ना कभी ब्रिटिशर्स ने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है इसलिए उसको हम लोग कॉमनवेल्थ गेम कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पे या कॉमनवेल्थ कंट्री कहा जाता है क्लियर है कि ब्रिटिशर ने कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो है कब्जा किए हुए क्लियर है पॉइंट सो so, यहां पर बात आ रही है कि जो जो चार साल से पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करके रखे हुए हैं क्या वो इंडिया को छोड़ देंगे इंडिया को बख्श देंगे तो ये समझ जो है जहांगीर को भी आ रहा था और जहांगीर में भी इन जहांगीर ने भी इनिशियल स्टेज में उन्होंने मना कर दिया था और देखो इंडिया फेमस है, सेमी, सेमी तो आज, आज है वर्ल्ड में मसाला के लिए और आप लोगों को तो पता है कि ब्रिटिश वाले कितने मतलब नॉनवेज वगैरह को पसंद करते हैं उसको प्रिजर्व करके मसाला रखता है उसके साथ साथ जो है और इंडिया का मसाला स्पेशल है भाई ऐसे मसाला कहीं और नहीं मिलता इतना टेस्टी उसके साथ टी के बारे में तो आपको पता है वर्ल्ड का बेस्ट टी जो है इंडिया का टी माना तो ये सब चीजें जो है आज के डेट में बताता हूँ टी के बारे में सबसे हाई क्वालिटी टी जो है फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट होता है मतलब वन ऑफ द टी में हमें बहुत रेवेन्यू मिलता है इंडिया के आज के डेट में भी टी में केवल चाय में भी ठीक है सो इंडिया वॉज फेमस तो इंडिया को वो आना चाहते थे बट इनिशियल स्टेज में जहांगीर ने भी मना किया था नहीं कि नहीं आना है बेटा परमिशन नहीं देना है आप लोगों को बट बट लेटर इनिशियली जहांगीर रिस परमिशन बट बाद में मजबूरी में उनको जो है परमिशन देना पड़ा बाद में मजबूरी में परमिशन देना पड़ा इनिशियली मना कर रहे थे बाद में परमिशन देना पड़ा और सिक्सटीन जीरो नाइन में जहांगीर रिसिड जहांगीर ने विलियम हॉकिस को रिसीव किए थे जो किंग जेम्स उमान इंग्लैंड के राजा भेजे थे री, रीच इंडिया एंड ट्रेडिंग और उन्होंने जो है यहां से ब्रिटिशर्स ने शुरुआत की ही इज फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक है और एक चीज देखो जहांगीर डिफीटेड महाराजा अमर सिंह जहांगीर ने डिफीट किए थे किसको महाराजा अमर सिंह को हराया था पराजित किया था हुआ द सन ऑफ हुआ द सन ऑफ महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप का बेटा है ठीक है कौन सा ईयर में 1650 में तो महाराजा अमर सिंह जो है महाराणा प्रताप का बेटा है देखो एक चीज यहां पर यहां पर रिलेट कर सकते हो देखो मतलब महाराणा प्रताप को हराए थे अकबर अकबर बैटल ऑफ हल्दी घाटी में अकबर की तरफ से मानसिंह लड़ रहे थे हालांकि अकबर की तरफ से मानसिंह लड़ रहे थे

जहांगीर ने क्या बनाया था सालीमार गार्डन बनाया था निशांत गार्डन बनाया था निशांत गार्डन सालीमार गार्डन ये कहां पे है बेटा श्रीनगर में जम्मू कश्मीर दैट इज श्रीनगर जम्मू कश्मीर दैट इज श्रीनगर में ठीक है जम्मू कश्मीर दैट इज श्रीनगर शालीमार गार्डन और निशांत गार्डन उन्होंने बनाया था क्लियर है बच्चों ठीक है देन और एक चीज के लिए जहांगीर फेमस थे देखिए जिसको कहते हैं सस्पेंडेड चेन ऑफ जस्टिस जिसको जंजीरे अदल भी कहा जाता है ध्यान रखिएगा बच्चों यहां पर जो बात हो रही है देखो जहांगीर सस्पेंड ए चैन ऑफ जस्टिस ए ऑफ जस्टिस, जिसको जो है जंजीरे अदल कहा जाता है जंजीरे अदल ठीक है जहांगीर अपने दरबार के सामने जंजीरे अदल जंजीरे अदल नाम के द, जाने वाली बाली न्याय की एक श्रृंखला को निलंबित कर दिया था इन फ्रंट ऑफ हिस कोर्ट देखो एक क्या होती है ये अदल अदल क्या है है मैं बता रहा हूं ठीक है? अदल का मतलब बड़ा सा एक दरबार हुआ करता था वहां पर जहांगीर खुद बैठते थे उसके साथ वहां के जो फेमस पर्सनालिटी जो एडवाइजर हैं उन लोगों को बिठाते थे, थे और वो जस्टिस प्रॉपर न्याय लोगों को न्याय देते थे लोगों को प्रॉपर जस्टिस देते थे और इस मामले में जहांगीर का रैंक जो है बहुत अच्छा इस मामले में जहांगीर जो है नहीं है इस मामले में लोग उनको पसंद करते हैं कि मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कलर क्रीड रिलीजियन एंड बर्थ प्लेस जाति धर्म वर्ण लिंग और को परे रख के न्याय के मामले में वो वो बेस्ट थे मतलब खुद भी जो है एक तरफ से न्याय में बैठते थे उसके साथ साथ अपने ऐसे लोगों को बिठाते थे और जो प्रॉपर जस्टिस देते थे मतलब उसमें कोई पार्शियलिटी या इम्पार्शियल जजमेंट नहीं होता था एक कहा जाता है कि बड़ा सा एक बैल हुआ करता था और उस बैल को आके घंटी बजाने का मतलब है उसको न्याय चाहिए उसको जो है न्याय चाहिए और जहांगीर इस मामले में बहुत अच्छे थे एंड दिस दिस वाज डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट अदल उस उस को क्या कहा गया बेटा ठीक है also, also प्रिंसेस। ध्यान रखिएगा राजपूत रानी मतलब यू कैन से राजकुमारी राजपूत राजकुमारी जगत गोसैन जगत गोसैन से उनकी शादी हुई थी जो जोधाबाई मैंने बताया था थाने जो जो जोधाबाई तो जोधाबाई अलग है और अकबर ने जो शादी किए थे उनका नाम ही जोधाबाई है और हरका भाई है वो अलग है दो जोधा भाई है ठीक है ये कंफ्यूज मत होना एंड बाद में सिवाज नोन एज द बालकिस बानो बेगम बाद में उनका नाम पड़ गया था बेटा बालकिस बानो बेगम एंड एनड ए सन नेम खुर्रम उनका दोनों का एक बेटा था बेटा था जिसका नाम है नाम तो अजीब लग रहा है खुर्रम नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्या है खुर्रम और खुर्रम का नाम जो है बाद में चेंज करके हो गया था है ना शाहजहान जो कि जिसके पीरियड को स्वर्णकाल कहा गया है गोल्डन पीरियड ऑफ ठीक है गोल्डन पीरियड कहा गया है आर्ट एंड आर्किटेक्चर का स्वर्णकाल कहा गया हम्म समझ रहोगे नहीं चले ठीक है देन देखो पीरियड ऑफ जहांगीर इज कंसिडर एट द गोल्डन एज द मुगल पेंटिंग ध्यान रखिएगा यहां पर जहांगीर जहांगीर का काल को यू कैन से जहांगीर के काल को जहांगीर के काल को जहांगीर के काल को इज कंसिडर टू बी द गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग ध्यान रखिएगा मतलब मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग था देखो जहांगीर के बारे में यह कहा जाता है कि जहांगीर खुद बहुत अच्छे पेंटर थे मतलब लोगों का सकल के बता सकते थे किसका कौन सा पेंटिंग है मतलब समझ रहे हो लोगों का सकल देख देते थे किसका कौन सा पेंटिंग है मतलब इतने वो खुद एक ग्रेट पेंटर थे और जहांगीर का काल को ध्यान रखिएगा गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग कहा गया है ठीक है चित्रकला का चित्रकला का एक मतलब परफेक्ट नमूना और चित्रकला का युग दैट मत होना गोल्डन एज ऑफ द मेडिवल हिस्ट्री इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाए आठ गोल्डन एज गोल्डन एज स्वर्ण काल इसमें आठ में कला एंड आर्किटेक्चर आर्ट आथ एंड आर्किटेक्चर में अगर पूछा जाए तो होगा हो गए वो शाहजहां लेकिन ध्यान रखिएगा केवल जो है पेंटिंग में पूछा जाए तो वो होंगे जहांगीर केवल पेंटिंग में पूछा जाए तो होंगे जहांगीर ठीक है तो ध्यान रखिएगा यहां पर तो गोल्डन एज ऑफ द मुगल पेंटिंग पेंटिंग में जो है स्वर्ण काल जो है जहांगीर का जहांगीर हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट पेंटर और उनके टाइम पे देखो उस्ताद मंसूर जो ग्रेट पेंटर है एंड अबुल हसन अबुल हसन इज आल्सो वन ऑफ द ग्रेट पेंटर सो so उस्ताद मंसूर और अबुल हसन वर द फेमस पेंटर इन द कोर्ट ऑफ द जहांगीर ये दोनों जो है उस्ताद मंसूर और अबुल हसन जो है ग्रेट पेंटर है वो जहांगीर के दरबार में थे हालांकि जहांगीर हिमसल एंड वो लोगों को शकल दे के बता सकते थे शे पेंटिंग और उन्हीं के एज को एज को गोल्डन पेंटिंग कहा जाता है, टबाको तंबाकू जहांगीर प्रोहिबिटेडाको तंबाकू ठीक है तंबाकू इन इंडिया अकबर ने तंबाकू को परमिशन दिया था जहांगीर ने तंबाकू को तंबाकू के प्रति प्रतिबंध लगाए थे प्रोहिबिटेड दिज स्टार्टेड बाय अकबर ध्यान रखिएगा और जहांगीर मेड लाहौर एज इट्स कैपिटल सिटी उन्होंने जो है लाहौर को अपना राजधानी बनाया था कैपिटल सिटी लाहौर को अपना क्या बनाया था राजधानी बनाया था बेटा लाहौर को अपना जो है राजधानी बनाया था ठीक है ध्यान रखिएगा उसके साथ साथ मैं बता दूं, फेमस इटालियन ट्रैवलर जिनका नाम है बेले, वो आए थे मतलब इन पीरियड ऑफ इन पीरियड ऑफ जहांगीर इटालियन ट्रैवलर ठीक है इटालियन ट्रैवलर यात्री किसके जिनका नाम है बेले, जो फेमस इटालियन ट्रैवलर है बेले, वो किसके टाइम पे आए थे जहांगीर के टाइम पे आए थे और जहांगीर ने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था जिसका नाम है तुजू के जहांगीर जहांगीर रोट आत्मजीवनी और आत्मकथा जिसका नाम है तुजू के जहांगीर तुजू के जहांगीरी कौन सा भाषा में बेटा पारसी लैंग्वेज में पर्शियन लैंग्वेज में दिस इज द ऑटोबायोग्राफी है बद जहांगीर उसमें जहांगीर एंड उनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मेंशन जहांगीर एंड उनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है जिसको तुजू के जहांगीरी कहा गया क्लियर पॉइंट और जहांगीर डाइड इन 1627 बेटा जहांगीर का जो मृत्यु हुआ था कब 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई ठीक है एंड वाज क्रीमेटेड एट सहादरा क्रीमेटेड एट सहादरा उनको दफनाया गया कहां पे सहादरा दैट इज इन लाहौर दैट वाज इन लाहौर ठीक है सहादरा जो कि मतलब अंतिम संस्कार किया गया था ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द जहांगीर दिस इज ऑल अबाउट जहांगीर ध्यान रखिएगा ठीक है अब आते हैं दुनिया का इतिहास का कैन से लवर बॉय ठीक है चॉकलेटी हीरो जिनका नाम है शाहजहा जिन्होंने वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रेम का निशानी ठीक है वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है प्रेम का निशानी क्या है ताजमहल ताजमहल द वर्ल्ड सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड ताजमहल जिन्होंने बनाया था ये तो सबको पता है है ना आप लोगों में भी बहुत लोग सोच रहे होंगे हम भी ताजमहल बना सकते हैं ममताज होती तो है ना ममताज होती तो हम भी ताजमहल और बहुत लोगों के पास तो ममताज नहीं होगी अपना ममताज होगा तब बनाएंगे है ना उससे मुझे एक शेर याद आ गया आप चाहो तो मैं एक शेर सुना सकता हूँ आप लोगों को क्लास के साथ साथ फ्री में शेर सुनने को मिलेगा आपको जैसे कि बचपन में मैं होस्टिंग क्या करता था ना होस्टिंग एंकरिंग क्या करता था तो ये शेर मैं जरूर कहता था बोलूँ <खिये>। इर्साद चलिए ठीक है गा मैं भी सकता हूं अगर आवाज होती गा मैं भी सकता हूं अगर आवाज होती नाच मैं भी सकता हूं अगर महफिल होती गा मैं भी सकता हूं अगर आवाज होती नाच मैं भी सकता हूं अगर महफिल होती किसने कहा था किसने कहा था शाहजहां ने बनाया है ताजमहल ताजमहल तो मैं भी बना सकता हूं अगर ममताज होती ये आप लोगों के लिए था जिसके पास ममताज नहीं है उसके लिए चले। लेकिन है लेकिन आजकल जो हैं वो और भी खतरनाक बनाते हैं हैं आप लोगों का जो शेर है वो अलग लेवल का है तो उसमें से एक जंजी ने कविता लिखा था उसी उसी का उल्टा वो भी सुना देता हूं चलिए आज के जनरेशन का जो लोग है ना जंजी वाले जंजी कहते न, उनको उनका सर्विस भी सुना देता हूं टॉपिक पे है ना उसने कहा था कि ताजमहल क्या चीज है मैं उससे भी बड़ी इमारत बनाऊंगा ताजमहल क्या चीज है मैं उससे भी बड़ी इमारत बनाऊंगा अरे मुमताज तो मर के दफन हुई थी मैं तो जिंदा दफना दूंगा चलिए ठीक है ये आप लोग चलिए All right, ऐसे मत करना ठीक है ताजमहल बनाना जिंदा मत दफनाना ताजमहल बनाना ठीक है ठीक है बेटा वो जमाना अलग था आज नहीं तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस बहुत सारी चीजें हैं और आज के डेट में लड़कियां देन यू ठीक है तो वो सब तो जो चलेगा नहीं है ना एनी वेल कम टू द टॉपिक नाउ तो शाहजहां का जो टाइम पीरियड है 1627 से लेकर 1657 तक 1627 से लेकर देखो कितना कितना खुश हो रहे हैं बच्चे हैं मैं समझता हूँ यार आप लोगों का चीज़ों को मैं समझता हूँ कि आप लोगों को चाहिए क्या पढ़ने के साथ साथ तो यही यही तरीका है मेरा पढ़ाने का ठीक है यही तरीका है बस आप लोग आते रहिए रेगुलर आते रहिए बट उसके साथ साथ मैं ये भी गारंटी देता हूँ कि व्हाट आर द टॉपिक आल टीच इन द क्लासेज आल मेक यू इंस्टेंटली मेमोराइज इन द क्लासेज क्लास में ही याद रहेगा और दैट विल बी मोर देन सफिशेंट फॉर योर एग्जाम ठीक है मतलब यहाँ पर कोशिश मेरा ऐसा है कि आपके दिमाग में पूरा बैठा रहे जाएगा नहीं ठीक है बस बने रहना जुड़े रहना ठीक है लेट्स कम टू तो शाहजहन वाह जैसे कि शाहजान वन बोर्न <clears throat> मैं कुछ बोलने वाला था बट क्लास स्टार्ट कर देते हैं ठीक <clears throat> है हाँ शाहजहान ऑन फिफ्थ जनवरी शाहजहान वज बॉर्न ऑन फिफ्थ जनवरी इन द फिफ्टीन हंड्रेड टू एट लाहौर लाहौर में उनका जन्म हुआ था And his mother was जहांगीर का बेटा जहांगीर का बेटा है शाहजहन ठीक है और मदर का नाम है जगत गौसन है और बचपन का नाम जो था उनका जो है खुर्रम था बचपन का नाम जो है खुर्रम था ठीक है और उन्होंने शादी किया था किससे अंजू बानो बेगम ही मैरिड विद अंजू बानो बेगम अंजू बानो बेगम ध्यान रखिएगा इन दर सिक्सटीन हंड्रेड 1612 हंड्रेड ट्वेल्व ठीक है और सी वॉज द डटर ऑफ अशरफ खान और ब्रदर ऑफ नूर जहां एंड सी लेटर बिकम नोन एज द ममताज महल बाद में उनका नाम दे दिया गया कि क्या नाम है ममताज महल विच मीन विच मीनस प्लेस ममताज महल का मतलब है, विच मीनस द बिलव्ड ऑफ द प्लेस ठीक है ममताज महल और शाहजहान और ममताज महल ऐसा नहीं है कि शाहजहान जो है कहा जाता है कि शाहजहान जो है उनके सात वाइफ थे ऐसा नहीं कि केवल ममताज महल ही थे और ये कहा जाता है कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि ये तीन नंबर वाइफ थे और कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि यह चार नंबर वाइफ थे ठीक है चलो चार नंबर मान लेते हैं ठीक है हाँ ये है सात वाइफ अगर भी थे तो सबसे ज्यादा लगाव जो है उनका जो है दैट इज ममताज महल के साथ था दैट इज द रीजन दैट उनके डेथ के बाद उन्होंने सोचा कि दुनिया का एक सबसे बड़ा इमारत बनाया जाए ठीक है एनी anyway, और उनका जब डेथ हुआ था उनको उनका बेटा औरंगजेब ने बंदी बना के रखा था लास्ट टाइम अपने लास्ट एज में क्योंकि औरंगजेब वो खुद चाहता था शासक बनना क्योंकि शाहजहां चाहते थे उनका बड़ा बेटा दारा शेखो जो है बने तो औरंगजेब ने उसके लास्ट टाइम पे बंदी बना के रखे तो उनको एक रिक्वेस्ट किया गया था कि मुझे ऐसी जगह पे बंदी बनाए जहां पर मैं ताजमहल को देख पाऊं ठीक है और वो जहां पर देख सकते थे वहां उनको बंदी बनाया गया ठीक है एनी anyway, वे शाहजान डेस्ट्रॉय द दे पुर्तुगीज सेटलमेंट एट हुबली डेस्ट्रॉय द दे पुर्तुगीज सेटलमेंट एट हुबली इन दियर सिक्सटीन हंड्रेड थर्टी वन में जो पोर्तुगीज का सेटलमेंट था पोर्तुगीज का जो सेटलमेंट था हुगली में उसको जो है हुबली, हुबली में उसको किए थे ठीक है हुबली. हुबली है कुछ लोग सोच रहे होंगे हुगली हुगली अलग है बेटा एच ओ ओ जी एल वाई ये हुगली जो है ये रिवर का नाम है ये रिवर का नाम बंगाल में है पश्चिम बंगाल में है ये रिवर है ना पश्चिम बंगाल में ये रिवर है हुगली रिवर है ये हुबली है हुबली हुबली कर्नाटक में ठीक है ना पोर्तुगीज सेटलमेंट को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया ठीक है बच्चों देन सो so, उसके बाद देखिए कि शाहजहां पीरियड कंसिडर एट द गोल्डन एज शाहजहां का पीरियड को क्या कहा गया है स्वर्ण काल इन द मुगल आर्किटेक्चर इन द मुगल आर्किटेक्चर का ये स्वर्ण काल है ठीक है एंड शाहजहां नोन एज द प्रिंस ऑफ बिल्डर के काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्णयुग कहा गया है ठीक है मुगल वास्तुकला का स्वर्णयुग का रूप में भी जाना जाता है. बिल्डर्स के टाइम पे बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्ट बने थे बहुत सारे जो है हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट चीजें बनाया गया था जैसे कि एक तो हो गया आपका ताजमहल जो सेवन वर्ल्ड में आता है जामा मस्जिद है ठीक है उसके बाद रेड फोर्ट है उसके बाद जो पीकक थ्रोन ठीक है पीकक थ्रोन मोर जिसमें जो है डायमंड माउंटेड था समझ रहे तो के टाइम ताजमहल सोलह सो इकतीस में थर्टी वन सॉरी वन स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल 1631, 31, एंड कंप्लीटेड इन द ईयर 1653 देखो 1631 में शुरुआत हुआ था कब से 1653 तक तो 22 साल लग गया था उनको ध्यान रखिएगा 22 इयर्स ऑलमोस्ट लग गया था उसको बनाने में मतलब ताजमहल को बनाने में 22 साल लग गया था ठीक है 1631 में वो स्टार्ट किए थे ताजमहल और उसको फिनिश किए थे 1653 में इन इन द इन द मेमोरी ऑफ ज महल है ना और इट टू ट्वेंटी टू इयर्स टू कंप्लीट मेन आर्टिटेक्ट ऑफ द ताजमहल वॉज ए परशियन परशियन पर्शियन आर्टिटेक्ट जिनका नाम है उस्ताद ईफा जिनका नाम है उस्ताद इफा ठीक है मेन आर्टिटेक्ट ठीक है उसके साथ साथ ठीक है उस्ताद ईफा जो है मेन और देखो के बारे में एक और कंट्रोवर्सी है कि जो ताजमहल बनाए थे उनका हाथ उन्होंने काट दिया था देखो ये कुछ इतिहासकार कहीं एनसीआर किताब में ये चीजें मेंशन नहीं है कि उनका हाथ काट दिया गया था बट कुछ लोग मानते हैं कि उनका हाथ काट दिया गया था ठीक है और बहुत सारे कारीगर का भी हाथ काट दिया गया था उसका रीजन क्या है कि दोबारा ऐसा ताजमहल इतना जो है रॉयल चीज इतना जो है नहीं मिल मतलब ना मिले और मैं एक चीज बता दूं कि ये जो हाथ काटने वाला स्टोरी है कुछ इतिहासकार मानते हैं कि एक्चुअली हाथ नहीं काटे थे बट उन्होंने कहा था कि ये ताजमहल आप लोगों ने बना लिया है और दोबारा वर्ल्ड में कहीं पर भी इस तरह का ऐसे बड़े इमारतें नहीं बनाना है उसको ही हम पूरा जिंदगी भर रखना है और उसको जो है सबसे बड़ी किताब मिलना चाहिए सबसे मतलब अच्छा होना चाहिए उससे बेहतर नहीं होना चाहिए दिस इज द बेहतर सबसे अल्टीमेट यही है तो उनको उनको कहा था कि तुम लोग अब काम नहीं करोगे तो वो लोग बोले कि सरकार हम तो गरीब लोग हैं हम काम नहीं करेंगे तो हमें खाना कैसे मिलेगा ठीक है तो उसी चक, उसी टाइम पे क्या हुआ था तो जिंदगी भर जब तक जिएंगे तब तक का एक उनको इनाम दे दिया गया था कि हाँ ये ले लो उसके बाद कहीं पर ऐसे काम नहीं करना ये कहा गया मतलब जिंदगी भर का जो सैलरी है एक तरफ से एक अमाउंट के रूप उनको दे दिया गया और फर्दर काम करने के लिए मना कर दिया कुछ लोग लो गया था ताकि ऐसे बनाना सके। ठीक है? ये दो तरह का, है, अलग -अलग का अलग -अलग है। बट कहीं पर टी में उसका जिक्र नहीं है तो हम लोग केवल एनसीआरटी में जो चीजें जिक्र है उसके बारे में बात करेंगे हालांकि कहानी तो बहुत हो सकती है ठीक है एंड सिक्स में शाहजान बिल्ड न्यू कैपिटल शाहजान बाग 1638 में क्या हुआ था बेटा शाहजहान बिल्ड न्यू कैपिटल नया कैपिटल राजधानी जो कि की शाहजहानबाद कहां दैट इज इन दिल्ली एंड द कैपिटल फ्रॉम आगरा देयर फ्रॉम आगरा से उन्होंने जो है शिफ्ट किया, किया, किया था दिल्ली को आगरा से उन्होंने शिफ्ट किया था को ठीक है बच्चों देन

ठीक है मुगल शासक आए थे सब जो है के बाद जितने भी मुगल शासक आए थे सब लोग जो है यहां पर रहने लगे ठीक मॉडल वॉज कंप्लीटेड इन दर सिक्सटीन फोर्टी एट में उनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था वहां पर था दीवाने आम उसी के अंदर क्या है दीवाने आम उसी के अंदर था दीवाने खास दीवाने आम और दीवाने खास एंड द मोती मस्जिद आर सिचुएटेड इन साइड द रेड फोर्ट क्या है मोती मस्जिद मोती मस्जिद आर सिचुएटेड इन साइड द रेड फोर्ट मोती मस्जिद इन आगरा वॉज कंस्ट्रक्टेड बाईन मोती मस्जिद इन आगरा जो है throne, जिसको कहा जाता है मोर सिंहासन पिकअक थ्रोन मोर सिंहासन ठीक है ऑन जहां पर जो है कोहिनूर डायमंड था डायमंड माउंटेड है ना जो फेमस तो यहां पर देख सकते हो आप ठीक है मतलब उन्होंने जो है जामा मस्जिद बनाया था रेड फोर्ट पिकअप एंड ऑफ कोर्स सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड ताजमहल तो बहुत सारे इतिहास के जो मतलब मेस्मोराइजिंग ग्रेट यू कैन से हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट उन्होंने अपने टाइम पे बनाया था इसलिए वो फेमस है ठीक है उसके साथ साथ देखो

शाहजान वॉज इम्प्रिजन बाय हिज ओन सॉन अपना बेटा औरंगजेब औरंगजेब एंड देखो एंड देखो क्या हुआ था देखो शाहजान का जब तबीयत खराब हुआ तब डिस्कशन होने लगा कि अगला राजा बनेगा कौन हु विल बी द नेक्स्ट रूलर ठीक है ये डिस्कशन हुआ तब जो देखो उनमें से उनका बड़ा बेटा जिनका नाम है दारा शेखो जिनका नाम है दारा शेखो वो डिजर्विंग भी थे और बहुत अच्छे इंसान भी थे अच्छा रूलर रूलर भी बन सकते थे तो शाहजहां चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा दारा शिकोह जो है उनके बाद जो है राजूती करे या संभाले बट ये बात जैसे ही पता चला औरंगजेब को औरंगजेब जो, जो है सबसे छोटा था और सबसे इतिहास में औरंगजेब को एक तरफ से ठीक है भारत में उनको एक विलन कैरेक्टर के हिसाब से माना जाता है उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो एक मतलब एक तरफ से क्या मतलब रिलीजियस फैनेटिक थे धर्म को लेके उनका सोच बहुत कंजर्वेटिव था रिलीजियस फैनेटिक ठीक है उनका जो है यू कैन से धर्म को लेके उनका थॉट जो है बहुत ही मतलब खराब था जो लोग उनको पसंद नहीं करते थे स्पेशली रिलेटेड टू रिलीजन क्योंकि ही वांटेड टू कन्वर्ट हिंदू इनटू द इस्लामिक रिलीजन तो हिंदू को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर करते थे और जो नहीं करता था उनको मार देते थे और हिंदुओं का जितने भी मंदिर था कोशिश किए थे उनको तुड़वाने का उसके साथ साथ अपने दरबार में मतलब हिंद दरबार में जो म्यूजिशियन जो डांसर ये सब को भगा दिए थे कितना क्रूर इंसान है सोचिए उसके साथ साथ हिंदुओं का जो फेस्टिवल था दिवाली दशहरा दुर्गा पूजा ये सब को उन्होंने बैन कर दिया था ये सब को उसने बैन कर दिया ये सब को उसको बैन करना ये भी एक गलत चीज़ है यार ठीक है तो ये सब कारण की वजह से जो है लोग उनको जो है इतना पसंद नहीं करते हैं राइट उनको पसंद नहीं करता राइट ठीक है सो 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 उन्होंने जो है अपने फादर को, अपने को, है? अपने फादर को 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 जो जो ऐसा बेटा ना अपने अपने बाप ठीक है मतलब बंदी बना दिया हालांकि बंदी बनाने का दो रीजन कहा जाता है पहला रीजन ये है कि ऑफ कोर्स पहला रीजन ये है कि वो दारा सिखो जो बड़ा बेटा है वो शासक बनने वाला था और शाहजहां भी उन्हीं को चाहते थे मतलब वो औरंगजेब नहीं बन सकता दूसरा रीजन ये कहा जाता है कुछ लोग कि शाहजहान जो है अपना सारा खर्च जो है मन मतलब ये जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स बनाने में खर्च कर दिए थे और ये चाहते थे कि उसका उपयोग किया जाए जो शाही खजाना था उसको जो है उपयोग किया जाए ठीक है तो इसलिए जो है उनको बंदी बनाया गया कि ये जो उस खजाना

उसके बाद जो है जहांगीर का बेटी डॉक्टर आरा डॉज ऑल्सो कैप्ट इन प्रिजन एलंग विद द आगरा फोर्ट मतलब उनके साथ उनका बेटी जहां आरा को भी उन्होंने जो है अंदर डाल दिया था जहां आरा भी उनकी बहनी होगी सिस्टरियर जिनका नाम है बर्नियर फ्रेंच ट्रेवलियर बर्नियर एंड टेवनियर एंड इटालियन ट्रेवलियर मनुची इटालियन ट्रेवलियर मनुची ठीक है विजिटेड ड्यूरिंग द शाहान पीरियड शाहजहान पीरियड में ये लोग जो है विजिट किए थे शाहजान पीरियड में ये लोग जो है विजिट किए थे ठीक है सो so बच्चों एक चीज मैं बता देता हूं देखो उससे पहले भी एक चीज बता देता हूं आप लोगों कि हाँ तो एक चीज है कि उसके साथ साथ जैसे कि नॉर्मली मैं डील करता हूँ हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी और किसी को भी किसी भी प्रकार का दिक्कत है आपको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए एडमिशन लेना हो ज्वाइन करना हो तो मेरा जो कोड है बेटा मेरा जो कोड है ध्यान रखिएगा वो है बी एम बी एम एल सॉरी मेरा जो कोड मैं लिख देता हूँ यहाँ पर व्योम मेरा जो कोड है बी वाई ओ एम दिस इज माई कोड ठीक है दिस इज माई कोड और इन केस ऑफ एनी रेफरेंस और एनी पर्सनल ये कोर्स से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा उसके साथ साथ पर्सनल मेंटोरशिप भी दिए जाएंगे आपको जो है पर्सनल मेंटोरशिप भी दिए थी जाएंगे ठीक है तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो चीज़ें हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर भी है देख सकते हो आप लोग ठीक है आप लोगों के लिए जबरदस्त ऑफर है ठीक है हम लोग का बैच जो है बाईस नवम्बर बाईस नवम्बर से जो है स्टार्ट हो रहा है चार पी से ध्यान रखिएगा ठीक है यूपीएससी पी एस प्रिलिम्स जय थे ठीक है प्रिलिम्स जय थे ठीक है स्टार्ट हो रहा है उसमें जो है ज्वाइन कर सकते हो आप लोग ठीक है उसके साथ साथ देखो किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार का बैच हो चाहे वो फाउंडेशन ए टू जेड बैच हो चाहे यूपीएससी हिंदी मीडियम का हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बैच हो किसी भी प्रकार का बैच हो इस नंबर पे आप कंटेक्ट कर सकते हो एट फाइव टू सेवन डबल जीरो सेवन फोर थ्री टू ठीक है और कोड लगा सकते हो बी वाई ओ एम जिसमें मेरे तरफ से स्पेशल मेंटोरशिप भी मिलेगा आपको गाइडेंस मिलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है किस तरह एडमिशन करना है कौन सा ऑप्शनल रखें प्रीलिम्स मेंस की तैयारी कैसे करें ये सब चीज़ें जो है मैं डिटेल में आप लोगों को गाइड करूंगा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा किताब पढ़ें कौन सा किताब नहीं पढ़ें कौन सा न, मतलब सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए है ना ऑप्शनल क्या रखना चाहिए प्रिलिम्स कैसे मीन्स की तैयारी कैसे करें आंसर राइटिंग किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो या फिर एडमिशन लेना है तो ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हो ऑटोमेटिकली आई गिव द पर्सनल मेंटरशिप मेंटरशिप टू आपको मिलेगा किसी भी प्रकार का कोर्स में आप ज्वाइन करिए ठीक है अड्डा ऐप में जाइए वहां पर और भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेंगे चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे आपका जो है प्योर इंग्लिश या बाइलिंगल मीडियम हो तो हर प्रकार का चीजों में आपको जो है आपको जो है गाइड कर दिए जाएंगे ध्यान रखिएगा बच्चों ठीक है सो so, देन उसके बाद जो है ये जो है आप लोगों के पास महापैक है जो वन लैक फिफ्टी नाइन थाउजेंड का जो चीजें है आपको केबल एंड केबल पड़ेगा 36, 000, ठीक है? उसको महापैक में भी ज्वाइन कर सकते हो और किसी भी प्रकार का ऑप्शनल लेना है तो आई एल डील विद टॉपिक दैट इज ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है मैं डील कर रहा हूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसका भी कोड सेम रहेगा बेटा बीवाई और किसी को भी लेना है ये सबसे इजिएस्ट ऑप्शनल भी है चाहे पी हो चाहे ज्योग्राफी हो चाहे हिंदी साहित्य हो चाहे सोशोलॉजी हो चाहे हिस्ट्री हो किसी को भी किसी का ऑप्शन लेना है तो जो है मैं आप लोगों को साथ दूंगा ठीक है तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही थैंक यू ऑल नाइस डे टेक केयर और हमेशा नौ बजे बने रहिए जुड़े रहिए और टेक केयर ठीक है थैंक यू नाइस डे चाहिए